देखिए गाइस कितना बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है, कितने सारे पत्थर यहाँ पर गिरे हैं। देखिए ये ऊपर से बड़ा भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चक्कर में रोड पूरा सिंगल हो चुका है और यहाँ पर जाम लगने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो देखिए पहले एक गाड़ी निकलेगी, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी निकलेगी, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से ही ये सब हो रहा है। ये देखिए, तो गाइस अभी मैंने एक फल तोड़ा है यहाँ से, ये देखिए नाशपति एक पेड़ से, काफ़ी अच्छा ताजी नाशपति, तो इसको खाते हैं अभी। बट यहाँ देखिए यार क्या हाल हुआ है भाई, नीचे पूरा खाई वाला हिसाब हो रहा है। तो ये सारे कांड यहाँ पर हुए हैं, अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते में है ये, गर्म पानी के पास, ये गर्म पानी का ही एरिया है। तो चलो चलते हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और आज तारीख 5 है, 5 सितंबर है और सुबह का वक्त है, लगभग 6:30 हो गया है और हम लोग जा रहे हैं इस समय द्वाराहाट कुक्कू छीना, और विमल भाई भी हमारे साथ हैं, साथ में दो गाड़ियाँ हैं हमारी, तो ये भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हम भी बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो दोनों आज निकलते हैं सीधा कुक्कू छीना द्वाराहाट के लिए। तो आज का नाइट स्टे हमारा द्वाराहाट ही रहेगा और कल सुबह हमारा द्वाराहाट से सीधा फिर काठगोदाम रहेगा। तो अभी हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी वॉश क्लीन करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा रानीखेत। बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई है काठगोदाम रेलवे स्टेशन में, आप सभी देख रहे हैं दोस्तों। तो ये है काठगोदाम का नियर बाय रेलवे स्टेशन, जो कुमाऊँ का मुख्य द्वार है और यहीं से कुमाऊँ को एंटर करने के लिए काठगोदाम ही रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो हे गाइस अभी हम निकल गए हैं रानीबाग से ऊपर भीमताल की तरफ को। तो आज हमने जाना है, मैंने बताया सुबह आपको द्वाराहाट, तो अभी 2 बज गया है, थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो अपनी गाड़ी बिल्कुल खाली है, तो खाली गाड़ी लेके जाना है क्योंकि सुबह कल को वहाँ से गेस्ट का पिकअप है द्वाराहाट कुक्कू छीना से। तो अभी हम द्वाराहाट कुक्कू छीना जा रहे हैं, तो एक गाड़ी सामने जा रही है और एक गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, तो दो गाड़ी का टूर है हमारा, पिकअप नहीं सॉरी टूर नहीं है, ड्रॉप है खाली। बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है, रिमझिमा की भी बारिश हो रही, काफ़ी अच्छी बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग निकल गए हैं पहाड़ों के शहर के लिए। चलते हैं और देखते हैं रास्ते में आज क्या क्या नया हमारे साथ होता है और क्या क्या नई चीज़ें हमको दिखती है, बने रहिए ब्लॉग में आगे। सामने एक गाड़ी हमारी वो जा रही है गाइस, और बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है पहाड़ में, काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए बारिश हो नहीं रही है पहाड़ में। तो आज बारिश सभी जगह हल्द्वानी काठगोदाम सभी रोड में बारिश है, तो अच्छा लग रहा है, मौसम आज काफ़ी बेस्ट है। तो निकलते हैं आगे को गाइस। फाइनली गाइस लंच हो गया है और लंच किया हमने पीछे, आप देख रहे हैं हिल्स व्यू रेस्टोरेंट में, बड़ा मस्त दाल चावल रायता वगैरह सब्जी वगैरह वो सब खा के, और अब हम निकलेंगे सीधा यहाँ से द्वाराहाट के लिए। भाई काफ़ी देर हो चुकी है, 3 बज गए हैं और 4.5-5 घंटे की ड्राइव और दिखा रहा है,
हम मजे मजे में जा रहे हैं यार भाई, क्या करे ऐसे ही हो रहा है घूमते फिरते। हमने कहा आज घूमते फिरते, हमने खाली गाड़ी है दोनों हमारी, मजे से चिल करते हुए जा रहे हैं, तो चलते हैं यार आगे। सो फाइनली गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं सलड़ी में, और सलड़ी जो है काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। सलड़ी में हिल्स व्यू काफ़ी प्यारे दिखते हैं, और यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं गाइस। कभी भी आओ ना भाई, बरसात के टाइम में पकौड़ी खाओ, यहाँ की चाय और पकौड़ी बहुत मस्त है भाई, बहुत मस्त। तो यार घूमो यार जिंदगी में, और कुछ नहीं है भाई। आई लव ट्रैवलिंग, 4 दिन की जिंदगी है, फिर कुछ नहीं है, जितना घूमना है अभी घूम लो भाई, यही लाइफ है घूमने की। बुढ़ापे में कहीं नहीं घूम पाओगे, आराम से घूमते रहो मेरे भाई। मुझे से तो ये हम लोग साथ साथ में जा रहे हैं, और ये देखो भाई कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है सामने। भाई लैंडस्लाइड काफी हो जाते हैं कभी कभी, एक्चुअली पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, मकान लोग काट काट के पहाड़ों को काट कर मकान बना रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली लैंडस्लाइड का होना तो बनता है, इसलिए यार जंगल को बचाओ, सेफ और फॉरेस्ट, जितना फॉरेस्ट सेफ रहेगा उतने हम भी सेफ रहेंगे। तो यार थोड़ा सेफ ले रहो, तो चलते हैं गाइस आगे। यार प्रॉपर सलड़ी में है हम, ये सलड़ी का आप देख रहे हैं लोकेशन, बाजार का सलड़ी की मार्केट ये है, काफ़ी सुंदर मार्केट है। तो अभी पहुंच चुके हैं मित्रजन हम खैरना में, और खैरना में सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, और वो पुराने पुल जो है वो बंद हो गए, बट ये नई पुल बनी है, ये वाली पुल से ही अब आना जाना रहता है। तो प्रॉपर खैरना में हम आ गए, हमारी दूसरी गाड़ी पीछे रह गई, वो भी आ रही है। खैरना से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नीचे देखिए इतनी बढ़िया नदी बह रही है, तो पानी काफ़ी, अभी बारिश होने के कारण पानी थोड़ा सा कलर इसका गंदा हो गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी। अभी बारिश रुकी है, तो बारिश रुकने के बाद देखो कितनी बढ़िया धूप खिल गई है, वाह सो ब्यूटीफुल। तो अभी निकलते हैं गाइस। सो गाइस, अभी रुके हुए हैं हम पिलखोली में, और आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं पिलखोली का व्यू, देखिए कितना सुंदर है। यहाँ के खेत देखिए भाई, यहाँ के पहाड़ देखिए, और लोकल जो यहाँ के घर है ना, प्योर पत्थरों से बने हुए हैं, ईंट का कहीं पर भी यूज नहीं किया है, इतना सुंदर बनाया है। और मेरे सामने आप जो गांव देख रहे हैं, पिलखोली विलेज है पूरा ये, और काफ़ी तो फाइनली गाइस रानीखेत के अंदर एंटर कर लिए हैं, और रानीखेत यहां से है 6 किलोमीटर के दायरे में। तो रानीखेत जो है पूरा आर्मी के अंडर में आता है, और पूरा आर्मी का ही एरिया है। तो बस चलते हैं यहाँ से आगे को। तो यहाँ पर गाइस कुमाऊँ हाउस भी बने हुए हैं, जो आर्मी के अंडर में आते हैं सारे, आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं। रानी खेत जो कि काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, और ये अपने सीढ़ीदार खेतों की वजह से और रानी खेत की खूबसूरती की वजह से फेमस है। रेजिमेंट केंद्र है गाइस ऊपर, और यहाँ से नीचे को लेफ्ट लेंगे तो रानीखेत का बाजार आ जाता है। ऐसे लिखा है ना, आय अपूर्ण रानीखेत छावनी, रानीखेत छावनी नगर पालिका के अंदर में आता है ये। Thank you.
एक चौबटिया गार्डन भी है जहाँ एप्पल गार्डन बोले उसे, तो वहाँ एप्पल वगैरह होते हैं। तो यार वहाँ जाने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि अभी हमने लंबा निकलना है। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो चौबटिया गार्डन भी आपको दिखाएंगे। गाइस जब मैंने फर्स्ट भर्ती मारी ना, तो फर्स्ट भर्ती जब मैंने मारी आर्मी की, तो यहाँ से बैठा था मैं लाइन में, यहाँ से लाइन में बैठकर हम सभी बंदों की लाइन लगी थी पूरा। तो ये 2-3 बैंड पहले हमारी लाइन लगी थी। तो यार रात के 12 बजे से हम लाइन में बैठ गए थे और सुबह 8 बजे या 9 बजे हमारा दौड़ने का नंबर आया था भाई। इतना लंबा रन हमने किया। तो ये सोमनाथ ग्राउंड है, बिल्कुल इसके सामने है नीचे आर्मी का, जहाँ मैंने फर्स्ट भर्ती मारी थी। सोमनाथ ग्राउंड भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। ये देखिए आगे बढ़ो, वो सामने नीचे दिख रहा है गाइस, सोमनाथ ग्राउंड। एंटर है इसका, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो बाजार को जाता रास्ता। ये है वो एरिया आर्मी का, सोमनाथ ग्राउंड, जहाँ पर भर्तियाँ होती हैं काफ़ी सारी। आप सभी मेरे सामने देख रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कुमाऊं द्वार, और ये युद्ध स्थली का पूरा। फाइनली गाइस रानीखेत हमने विजिट किया अभी, तो काफ़ी खूबसूरत है रानीखेत। मैंने आपको रानीखेत के बारे में बताया। तो यार अभी निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया है, शाम होने वाली है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी रिमझिमाती बारिश भी यहाँ पर हो गई है गाइस, बहुत बढ़िया बारिश हुई रानीखेत में फिर से। एक्चुअली बरसात का सीज़न है तो यार बारिश तो बनती है भाई, लेकिन हो नहीं रही जिस हिसाब से बरसात का सीज़न है। बारिश बहुत कम ना के बराबर, बस इतनी सी बारिश हुई या बंदों की बारिश देखो क्या यार। तो गाइस हम निकल गए हैं दोराहाट को, और यहाँ से कर्णप्रयाग की दूरी 127 किलोमीटर और बद्रीनाथ है 294 किलोमीटर। तो अब निकलते हैं सीधा दोराहाट की तरफ को। सो गाइस अभी रास्ते में रुके हुए हैं और रास्ते में कर रहे हैं बहुत चिल, क्योंकि यार काफ़ी थक गए थे, बहुत लंबी ड्राइव हो गई थी। तो दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर रोकी है मस्त करके, अब फर्स्ट क्लास करके यहाँ पर बैठकर और खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। और हमने चलाया है गाने गाड़ी में, तो थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं हम, बहुत मज़ा आ रहा भाई। और यहाँ का देखो ग्रीनरी कितना मस्त लग रहा है, इतना अच्छा फॉरेस्ट लग रहा ना, पाइन ट्री का, बहुत मज़ा आ रहा भाई, बहुत मज़ा आया यार। सो गाइस काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, अभी भगवाली पोखर से आगे हैं थोड़ा सा, और दूनागिरी यहाँ से, सॉरी द्वाराहाट यहाँ से अभी 10 से 12 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो साथ में चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए एक्चुअली हम। सो गाइस वीडियो को करते हैं यार यहीं पर ही एंड, क्योंकि नाइट हो गई है। सुबह से 7 बजे से आपके सामने देखा हमने ब्लॉग स्टार्ट किया, और रात के 8 बज गए हैं, तो 12-13 घंटे हो गए व्लॉग स्टार्ट करे हुए। तो यार वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी से पहुंचते हैं होटल। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई नई जगह मैं आपको लेके जाऊँगा, नई नई जगह घुमाऊँगा। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।